देखिए एक कहावत है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है तो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। इस सारा खेल समय का है, हमारी जिंदगी एक समय है। और मेंटरशिप सेंटर का बेसिक गोल ये है कि बच्चे का इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होके वो कम से कम समय में कैसे सेलेक्ट हो सकता है, कैसे खुद की टॉप रैंक ला सकता है। क्योंकि हम लोग हमेशा ही कहते हैं, हमारे बहुत सारे प्लान्स कुछ इस तरीके से रहे हैं, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बेटा मोबाइल के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से हाई वेटेज वाले हैं, कहाँ से मार्क्स ज़्यादा आते हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं करनी है और क्या करना है। तो मेंटरशिप बेसिकली एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस सेंटर पर, यहाँ पर काउंसलर्स के द्वारा और हमारे द्वारा समय समय पर सिखाई जाती रहेगी। कोटा में हमने 10 तारीख को स्टार्ट किया था, आज 17 है और ये सीकर आज हम लोग उसको प्रोसीड कर रहे हैं। जनवरी में हमारा प्लान पटना का है और उससे पहले हम लोग अजमेर के वैशाली नगर में भी हमारा एक पूरा बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पर प्योर कोचिंग होगा लेकिन यहाँ पर बेसिकली मेंटरशिप होगा। सर लगातार आपने कई किताबें लिखी है और जैसा कि देखा गया है नीट और IIT के बाद क्या जो UPSC वाले बच्चे हैं वो भी आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं, तो उनके लिए कोई बुक्स या कोचिंग क्या विचार है? अभिषेक जी मुझे याद है आज के 1.5 साल पहले आपने यही सवाल पूछा था और मैंने उसी के बाद में, उसके सिर्फ 2 महीने बाद में मैंने एक अफसर नाम की किताब लिखी। इवन मैं अभी कुछ समय बाद आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, प्लीज दीजिएगा। ये अफसर नाम की किताब जो है ये UPSC वाले एस्पिरेंट्स के लिए लिखी गई और आज आप मानेंगे नहीं 10,000 से ज़्यादा YouTube पर हमसे सिर्फ UPSC वाले बच्चे ही कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस मेनली नीट और JEE के लिए, कम्प्लीटली नीट और JEE के लिए। बच्चा जो संघर्ष करता है तो उसको प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है, वो सारी दिक्कत हम लोग यहाँ पर खत्म करना चाह रहे हैं। सर ये सवाल और है सर, बच्चे जब ये पेपर देने जाता है दीक्षांत में भी आ जाता है, सुसाइड भी ऐसे मामले अभी सामने आए, इस पर तो अवेयरनेस। देखिए बच्चा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में या सुसाइडल थॉट्स तभी आते हैं जब बच्चा अपना दिन मैनेज नहीं कर रहा है। मैं स्टूडेंट्स को एक स्ट्रेटेजी कहता हूँ कि आप हर दिन DWAR फॉलो करो। डी मतलब व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, डब्ल्यू मतलब व्हाट आई विल, कल मैं क्या करूँगा, ए मतलब व्हाट आई अचीव, आज मेरा अचीवमेंट क्या है, R4 आज मेरा रिग्रेट क्या है, क्या मैंने ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो DWAR होता है उसको मैं कहता हूँ द्वार। ये हर कॉलेज का, हर IIT का, हर ड्रीम जॉब का एक द्वार है। और फिर मैं कहता हूँ SED फॉलो करो, क्योंकि बच्चा या तो SED होता है, ये हमारी DWAR डायरी होती है, इसमें हर एक चीज़ मेंशन है। एक होता है SED, देखो या तो बच्चा सैड होता है, SED होता है, या फिर SED होता है। SED का मतलब होता है स्लीप एक्सरसाइज डाइट, और वो सारी बातें हम लोग यहाँ मेंटरशिप सेंटर पर स्टूडेंट्स को सिखाने वाले हैं, उनसे डिस्कस करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत सारे बच्चों की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सर कहीं ना कहीं जैसे जहाँ आपके कोचिंग सेंटर में बच्चा आ जाता है लेकिन जो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कहीं दूर रहता है, तो ऑनलाइन उनके लिए क्या प्रोसेस, क्या सुविधा? देखिए ऑनलाइन नीट का JEE ऐप है हमारा और 1,00,000 से ज़्यादा बच्चा उसको डाउनलोड कर चुका है। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, 60,000 से ज़्यादा बच्चा नीट और JEE का पूरे इंडिया में हमसे कनेक्टेड है, जिसने हमारी कोई ना कोई सर्विस ली है, उसने हमें कुछ पे किया है, और हम आज हिंदुस्तान के हर राज्य के 60,000 बच्चों को सर्व कर रहे हैं। और इससे बड़ी गर्व की बात, गौरव की बात हमारे अजमेर शहर के लिए नहीं हो सकती कि वो दिन दूर नहीं है जब अजमेर अपनी पुराना जो टैग है शिक्षा नगरी का वो वापस से पालेगा, और इसी प्रयास में हम लोग लग रहे हैं। जी सर लगातार जैसे कोटा के बाद आज सीकर में भी मेंटरशिप का खोला गया है, लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, जिस प्रकार से छात्रों को आपसे उम्मीदें हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं, आपके क्या विचार हैं? देखिए मुझे ये लगता है कि तैयारी के दौरान तिनके का सहारा बहुत हो रहा है। हम लोग यहाँ पर सीकर में आए हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए। हमारा हमेशा से विजन रहा है, मिशन रहा है, गोल रहा है कि बच्चों को हमें हेल्प करना है। उनको अगर तैयारी के दौरान किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही है, आराम चाय पानी पी रहा हो, रोटी वोटी खाया हो।